हाय वेलकम टू ज्योति पेट एसोसिएशन। माय नेम इज ईशान। दोस्तों जयपुर से अवेलेबल कुछ सेलर के पास कुछ बेहतरीन ब्रीड की पपीज अवेलेबल है, तो वो कवर कर रही है वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मेरे चैनल पे कुछ गिव अवे चल रहे हैं, तीन गिव अवे चल रहे हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो और वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में नहीं तो आई बटन में ऊपर दिख जाएगा। फिलहाल ये टॉय फॉर्म की पपी अवेलेबल है मेरा सेलर के पास एट जयपुर राजस्थान एंड ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगा बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में। अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास में पपी की प्राइस है। नेक्स्ट दोस्तों सेम सेलर से ही अवेलेबल होने वाले हैं जर्मन शेफर्ड की लॉन्ग कोट की पपी, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में। दोस्तों दिन के टाइम पे थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ मेरा ऑफिस के बाहर, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ सकते हैं, बट फिर भी मैं माइक यूज़ नहीं करता हूँ बहुत वीडियोस में, तो डायरेक्ट करता हूँ बिकॉज इतना हैवी चेट नहीं हूँ ये माइक वैक लेके ये सब करना। सो नॉर्मली जो रॉ मुझे मिलता है वीडियोस, जैसे मिलते हैं वीडियोस ऐसे ही मैं बना के अपलोड कर देता हूँ। मेजर टाइम पे रात के समय वीडियो डाल बनाता हूँ आफ्टर मान लीजिए 10 बजे के बाद, 1 बजे तक, 2 बजे तक, बट आज थोड़ा सा वीडियोस बहुत ज़्यादा आया है तो दिन में ही थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज काम का थोड़ा प्रेशर भी कम है अभी। सो फिलहाल लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड का पपी अवेलेबल है सेम सेलर के पास जिनके पास व्हाइट पॉम या टॉय पॉम की पपी था। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं, हेल्थ वगैरह देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं। 40 डेज के आसपास में पपी की एज है, बट फिर भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में, और आके भी बहुत ही खूबसूरत डॉग बनेगा। और 10 to 12,000 के बीच में प्राइस है। दोस्तों मैंने आसाम, नॉर्थ ईस्ट या मुंबई को छोड़ के जितने जगह पे देखा है हर ब्रीड का पपी अभी 10,000-12,000 या 15,000 के आसपास में मिल रहा है। सो ये भी बेहतरीन क्वालिटी में है, हेल्थ में है, बड़ा होकर भी बहुत ही खूबसूरत डॉग बनेगा। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना है ना। नेक्स्ट दोस्तों जयपुर राजस्थान से ही अलग एक सेलर के पास से अवेलेबल है जर्मन शेफर्ड की फिर से लॉन्ग कोट की पपी। ये अलग सेलर के पास है, आपको लग सकता है कि सेम सेलर के पास है पपी या सेम पपी है, बट ये अलग सेलर के पास है। देख सकते हैं पपी की हेल्थ, ग्रोथ, कलर कोड बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत हेल्थ में है, ग्रोथ में है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा और लंबा पपी है। सो बड़ा होके भी बहुत ही खूबसूरत डॉग बनेगा। मेनली देखिए आप एक्टिविटी देखिए, बहुत ज़्यादा प्यारा है। दोस्तों जर्मन शेफर्ड जैसा ब्रीड जब ले आप तब मतलब मत देखिए कि बहुत मोटा तगड़ा पपी आपको लेना है, बट जर्मन शेफर्ड जितना एक्टिव होगा बड़ा होके भी उतना ही खूबसूरत होगा, उतना ही हेल्दी होगा, बिकॉज बड़े साइज़ का डॉग है, कैल्शियम का फंडा बहुत है, कैल्शियम विटामिन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो बचपन से मतलब अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ में, ग्रोथ में पपी बड़ा होने के बाद भी बहुत खूबसूरत मतलब दिखेगा और ग्रोथ होगा। सो जितना ज़्यादा एक्टिव पपी लेंगे उतना ही खूबसूरत होगा पपी जब बड़ा होगा। सो ये पपी भी अवेलेबल है एक अलग सेलर के पास है जयपुर राजस्थान एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 12,000 to 15,000 तक इस ब्रीड का लीटर का पपी इसका प्राइजेस है। सो जिनको भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों कुछ कुछ एरियाज तक कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, तो मैं वीडियो में लिखता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, बट हर जगह इंडिया, ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, बट इससे पहले जो दिखाया था वो हर जगह पे होगा, बट कुछ टोकन मनी आपको डालना होगा उसके बाद ही कैश ऑन डिलीवरी होगा। बट ये पपी फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी हर जगह पे नहीं है, राजस्थान के आसपास में या राजस्थान तक ही कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। सो रिक्वायरमेंट हो से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले लेना। देन दोस्तों ये सेम सेलर के पास ही अवेलेबल है और एक खूबसूरत ब्रीड, बहुत ही प्यारा ब्रीड, बहुत ही हेल्दी ब्रीड, गोल्डन रेट्रीवर, जो कि मेरा पर्सनली भी बहुत बेहतरीन ब्रीड है, बहुत ही शान ब्रीड है। फर्स्ट टाइम ओनर है, घर में बुजुर्ग है, बच्चे है, तो आँख बंद करके ले सकते हैं ऐसे बेहतरीन ब्रीड। बहुत ज़्यादा प्यारा फैमिली ब्रीड होता है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी ट्रेन भी होता है। सो ऐसे ही बेहतरीन ब्रीड गोल्डन रेट्रीवर की पपी अवेलेबल है मेरा सेलर के पास जयपुर राजस्थान, और 15 के आसपास में इसका प्राइस है। दोस्तों गोल्डन रेट्रीवर का भी अमेरिकन और इंग्लिश दो ब्लड लाइन का पपीज अवेलेबल होता है इंडिया में। फिलहाल ये इनका है बिकॉज आपको पता चलेगा जो इंग्लिश ब्लड लाइन का होता है काला थोड़ा सा व्हाइटिश कलर में आता है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है, अमेरिकन ब्लड लाइन का थोड़ा गोल्डिश कलर में आता है। सो बहुत बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्थ में, ग्रोथ में है। जिनको भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप और बाकी डिटेल वगैरह ले सकता है। वीडियो कॉल करके पपी का हेल्थ वगैरह चुनना ना भूले, वरना कुछ भी इश्यूज वगैरह होते हैं तो माय चैनल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इफ एनीबडी रिक्वायर्ड इन सेलर सर्विस ऑन स्क्रीन यू कैन कॉल हिम डायरेक्टली। दोस्तों ये सेलर के पास ही अवेलेबल है और एक खतरनाक बट बहुत ही इंटेलिजेंट और ओबीडियंट ब्रीड, बहुत ही ज़्यादा लॉयल ब्रीड है ये रोटविलर। बहुत प्यारी है, बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा बोलने का और जरूरत नहीं है, सबको पता है रोटविलर कैसी ब्रीड है।
बहुत अच्छा एक फैमिली ब्रीड भी बनता है अगर आप बचपन से इसको मतलब अच्छे तरीके से ट्रेन करें, अच्छे तरीके से सोशलाइज करें, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा प्यारा मतलब ब्रीड भी होता है। बट अगर आप वन ओनर डॉग बनाना चाहते हैं तभी भी बन सकते हैं, हर डॉग वन ओनर डॉग ही होता है। बट ये फैमिली के साथ भी बहुत खूबसूरती से रहता है, जैसे कि जर्मन शेफर्ड डॉबरमैन वन ओनर डॉग है, बट ये फैमिली के हर मेंबर के साथ बहुत खूबसूरती से रहता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रहता है, एकदम एकदम मतलब शान रहेगा। बट जब भी ओनर के ऊपर कोई मतलब ट्रेड है, कोई मतलब क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये हमेशा मतलब आगे आ जाता है। सो ऐसा ब्रीड है रोटवीलर। बट अगर सही तरीके से सोशलाइज ना करे, ट्रेन ना करे, तो थोड़ा बहुत एग्रेशन भी उसमें आ सकता है। सो जिनको भी लेना है आप मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर नहीं हो, आपका पहले का रखने का एक्सपीरियंस हो, तभी जाके आप रोटवीलर जैसा ब्रीड लें। फिलहाल 15,000 करके पर पपी की प्राइस है, 45 डेज के आसपास में पपी की एजेस है और डिलीवरी भी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा, बिकॉज छोटे बच्चे कोई इशू होने वाला नहीं है। कुछ कुछ एरियाज तक कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, सो रिकमेंड से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। देन दोस्तों आते हैं सेम सिला के पास ही और एक खूबसूरत ब्रीड डॉबरमैन। ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रीड है। एक्चुअली जब आप डॉग रखते हो ना, मतलब बचपन से रखने का आदत हो या मतलब मिड एज से रखने, जब भी आपको रखने का आदत हो और छोटे छोटे ब्रीड के ऊपर जब आप छोटे छोटे ब्रीड जब भी रखते हो, तो एक हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि थोड़ा बड़ा ब्रीड ले, जितना भी खूंखार हो, खतरनाक हो, बट रखने का जो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है या एनजाइटी होता है, जो रखने का इच्छा होता है, वो हमेशा ज़्यादा ही होता है। मतलब साहेब खर्चा ज़्यादा हो, ये हो, बट हैंडल करना मुश्किल हो, फिर भी आपको रखना पसंद होता है, बिकॉज इंडिया के लोग खतरों के खिलाड़ी होते, जितना खतरा पालेंगे उतना ज़्यादा शान मतलब खुद को मतलब प्राउड फील होता है इंडिया के लोगों को। तो ऐसे ही मतलब ब्रीड है डॉबरमैन, अच्छा ब्रीड है, हेल्दी ब्रीड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्रीड है और बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब सीजे सीखता भी है, बट सोशलाइज करना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। सो ऐसे ही बेहतरीन ब्रीड का पपी अवेलेबल है मेरा सेला के पास एट जयपुर राजस्थान, ये सेम सेला के पास, जो नेक्स्ट फर्स्ट दो ब्रीड छोड़ के जितने हैं सेम सेला के पास है। तो जिनको भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर ले। और सेने में गिव अवे भी चल रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि डॉबरमैन का भी एक गिव अवे दूँ, बट डॉबरमैन का प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा हो के रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा स्किप के फिलहाल जितने गिव अवे चल रहा है उसमें तो पहले पार्टिसिपेट कर ले। और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। और जो अच्छा अच्छा जो गिव अवे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और मेरा और दो चैनल मैंने खुला है असमीज में, एक एक्जोटिक पेट एसोसिएशन और एक डॉग प्राइस एंड इन्फॉर्मेशन बोल के भी मैंने चैनल खोला है। सो उसको भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली सर्च करके एक बार जाके देख लेना।